अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम इलेक्ट्रिसिटी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और न्यू एज केबल्स के स्टॉल के ऊपर हैं। मिस नताइशा हमारे साथ हैं, थैंक यू वेरी मच मिस, आपने हमें टाइम दिया। आज दूसरा दिन है, कैसा जा रहा है एग्जीबिशन और यहाँ का फुटफॉल? बहुत अच्छा जा रहा है माशाल्लाह। एक्सपेक्टेड तो वैसे यही था कि बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन हमारी सोच से ज़्यादा बहुत अच्छा जा रहा है। इट्स अ वेरी वेरी प्रोडक्टिव एग्जीबिशन। इसमें हमारे क्लाइंटेज के साथ हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन हो जाता है और कंपनी की जो है ना स्टेटस का आइडिया हो जाता है क्लाइंटेज को, जो नॉर्मली नहीं हो रहा होता। और फूड वैल्यू जो है वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए। और बात यही है कि जितनी अच्छा आप अपने स्टॉल को करेंगे, डिकोर करेंगे, जितना अट्रैक्ट करेंगे, उतने लोग आपके पास आएंगे, जितने अच्छे से ग्रीट करेंगे। अच्छा मिस, जब भी केबल्स की बात होती है तो पाकिस्तान में आमतौर पर जब आग लगती है तो फ़ौरन केबल को जो है मुरद इल्ज़ाम ठहरा दिया जाता है, तो न्यू एज केबल्स इस किस्म की किस किस्म की केबल्स बनाती है कि फायर प्रोटेक्शन के हवाले से? हम लोग लो स्मोक फ्यूम ज़ीरो हैलोजन केबल बनाते हैं। इसमें आग लग भी जाए तो वो प्रोपगेट नहीं करती है, वो एक ऐश बन के राख की सूरत में वहाँ पे आग को वहीं पे केबल सड़ जाती है। अब इसमें दो तरह का होता है केबल, अगर फायर हो रही है प्रोपगेट नहीं होगी एक तो, दूसरा सर्किट इंटीग्रिटी रहती है। यानी अगर हम लोग इसमें ना दो तरह की केबल बनाते हैं, एक हम माइका ग्लास टेप बनाते हैं जिसमें लाइट नहीं जाती, सिंपल अल्फाज में कहा जाए तो लाइट नहीं जाती और धुआं नहीं निकलता, क्योंकि मोस्टली जितने भी क्राउडेड एरियाज़ होते हैं वहाँ पे कैजुअल्टीज़ जो हैं वो धुएं से होती हैं। आग लगे ना लगे बंदे को, बंदा धुएं से मर जाता है, तो धुआं नहीं निकलेगा तो एटलीस्ट बंदे को निकलने का मौका मिलेगा तो वो बच जाएगा। अगर अंदर रह भी जाएगा तब भी बच जाएगा अगर उसको आग नहीं लगी तो, लेकिन अगर वो धुएं से ही मर जाएगा तो उसको आग लगे ना लगे आइडिया उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा मिस, न्यू एज केबल्स के बारे में बताइएगा, किन किन प्रोडक्ट्स में डील कर रही है, कौन कौन सी वायर्स बना रहे हैं आप? हम लोग तो खैर हर तरह की वायर ही बनाते हैं, 56 से लगे हुए हैं। वायरिंग केबल्स बना रहे हैं, हाउसिंग के लिए हाउसिंग सारे काम करते हैं। दूसरा हम लोग इंडस्ट्रियल सारा काम कर रहे हैं। आपका जो पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर है सारा का सारा 60% न्यू एज पे चल रहा है। आपके जो जितने भी टावर्स पे खंभों पे जितना भी कंडक्टर लगा हुआ है वो सारा न्यू एज का लगा हुआ है ऑलमोस्ट। सो 60% शेयर मार्केट शेयर है हमारा, वापडा के साथ भी है और कॉरपोरेट में भी हम लोगों का ऑलमोस्ट 60% शेयर है। इसमें हम लोग पावर केबल्स बना रहे हैं और हाई टेंशन केबल्स बना रहे हैं अप टू 33 kV। सो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में ऐसी कोई भी केबल जो यूजेज में आती है वो हम नहीं बना रहे हैं, एक्सेप्ट जो ये जो स्मॉल टेलीकम्युनिकेशन की या इंस्ट्रूमेंटेशन की केबल्स होती हैं, इसके अलावा हम सब बना रहे हैं। थैंक यू वेरी मच मिस, थैंक यू वेरी मच।